क्या दाम मांग रहे भैया ये सब का? अरे कोई बात नहीं, लो 400 देने अब तेरी में। माल नहीं चालू अली। हेलो दोस्तों, फिर लोग डिजिटल ब्लॉग के आज के इस बिल्कुल ताज़ा तरीन रघुवीर नगर मार्केट के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं संडे पटरी मार्केट, जिसको आप चोर बाज़ार के नाम से भी आजकल जानने लगे। हालांकि ये चोर बाज़ार नहीं है, ये है पटरी मार्केट, जो कि सिर्फ संडे को लगता है और वो भी सुबह में 5 बजे से शुरू होकर के लगभग 11 बजे तक ये मार्केट रहता है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप, DSLR, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद आएंगी और आपको सच्चाई के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, मैं वैसे वैसे आपको वीडियो में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ों के बारे में बेसिक बातें बताता चला जाऊंगा, ताकि आप जो भी लोग बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, पैसे लगा के आते हैं या आना चाहते हैं, आप रियलिटी इस मार्केट के बारे में जान सके। आप उन दूसरे यूट्यूबर्स के चक्कर में न पड़े जो लोग आपको गलत जानकारी दे करके मोटिवेट करते हैं कि आप बाहर से यहाँ आइए और यहाँ आपको आईफोन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो उस चक्कर में मत रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बल्कि हर चीज़ देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको पसंद आए तो नीचे में आप कमेंट कर दीजिएगा, और ना पसंद आए या कोई जानकारी चाहिए होगी तो भी आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अब आपको डिस्क्राइब करना शुरू करता हूँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको मिसलिनियस चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ भी मिल सकता है, आपकी किस्मत और आपकी नीड, आपकी ज़रूरत और मार्केट में क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से। अब इसके बारे में जब आप यहाँ आएंगे, देखिए आपको यहाँ तरह तरह की चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको देखे जाए। मच्छरदानी है, पुराने जूते चप्पल है, ये जीन्स वगैरह जो है, ये जीन्स वगैरह आप जो है 100-100 रुपये मिल जाते हैं, और अगर आपको थोक मिलेंगे तो ये 30-30 रुपये मिल जाते हैं। शायद आपको सुनकर के मतलब आश्चर्य हो, लेकिन ये जितने भी जो कपड़े देख रहे हैं ना, सब सेकेंड हैंड कपड़े हैं। जो बर्तन देकर के कपड़े लेते हैं ना, तो वही लोग हैं यहाँ पर कपड़े जो है ला करके बेचते हैं, और यहाँ से कपड़े जो है होलसेल में ले जा करके देश के अलग अलग हिस्से में लोग गाँव में जा करके बेचते हैं, और यहाँ से जो होलसेल में खरीदते हैं वो 20-20-30-30 रुपये में सब जीन्स या सब कपड़े खरीदते हैं। और अगर आप खरीदना चाहेंगे जैसे एक पीस, दो पीस, तो ये 100-150 रुपये में आपको ये जीन्स दे देंगे, और ब्रांडेड जीन्स होते हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपको ब्रांडेड जीन्स या ब्रांडेड कपड़े आसानी से मिल सकते हैं। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान देख रहे हैं, ये तो टोटली नकली है, इसलिए इसको देख करके आप मत फिसलिएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। सब नकली है जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है, तो यहाँ पर भी लोग बेचते हैं। जहाँ आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई दे, समझ लीजिएगा कि वहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ही बिक रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारण वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए आपको मिक्सी, कूलर, होम थिएटर, फैन, आयरन प्रेस, यहाँ मैं इसलिए शूट नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ एक लड़की बैठती है, वो बहुत ही ख़राब है, बदतमीज़ है, वो बहुत बुरे तरीके से बोलती है, जब वीडियो कैमरा को देखती है तो बहुत बुरे तरीके से बोलती है, इसलिए बार बार मैं शूट करके निकल रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप पुराने जूते और तरह तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं इसकी लिस्ट आप बना ही नहीं सकते हैं। अब जैसे ये सब जूते उते आप देखिए, सब पुराने घड़ियाँ, बर्तन, आपको जो भी सेकंड हैंड चीज़ कह लीजिए यहाँ पर जो रिजेक्टेड चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपको काम भी आ सकती है और आपके फ़ायदे की भी चीज़ हो सकती है सस्ते में। ये सब बैटरी वैटरी सब ये सब तो खैर बेकार है। ज़्यादातर आपको यहाँ कपड़े ही मिलेंगे, और उन कपड़ों को बहुत लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कपड़ा मार्केट ही है। इसको लोगों ने चोर बाज़ार बोल बोलकर बदनाम जरूर कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कपड़ा मार्केट है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि मैं अभी जो घूम रहा हूँ वो करीब करीब घूम रहा हूँ 9:30 बजे के आसपास में। ये जो भाई साहब है ये तो परमानेंट है, मेरे वीडियो में आपने कई बार देखा होगा, और इनसे मैं कुछ चीज़ें खरीदता रहता हूँ, लेकिन आप जब भी खरीदिए तो बहुत सोच समझ करके चेक करके खरीदिए, क्योंकि 90% चांस रहता है कि इनके पास में बेकार चीज़ें ही होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता दूँ, जैसे ये टेप रिकॉर्डर है, ये आपको 200-300 रुपये में टेप रिकॉर्डर मिल जाएगा, बल्कि इसमें कैसेट लगा हुआ है। चालू है कि नहीं है ये कहने की, कहते हैं चालू है, लेकिन
बहुत लोग इसको शौक से एंटीक के रूप में भी लेते हैं। आज इनके पास में एक DSLR भी है, लेकिन ये DSLR जो है कलेक्शन नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और इसकी कीमत जो है ये 3,500-4,000 वो बोलते हैं, नया मशीन है जब कह रहा हूं, लेकिन देने के लिए मुझे लगता है 1,000-1,500 में भी दे देंगे, क्योंकि ये है तो डेड कैमरा है। इसका खाली कंपनी निकल रही है और लगवा लेना बस, डेल्स की गियर सब कैमरा है, निकॉन का है, बहुत बढ़िया पीस है। क्या जी नया भैया? 4,500 रुपये का लेके आई थी बहन जी, और जब भी बिल्कुल चलाया नहीं ज़्यादा। ये जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी कह रहे चालू तो है, और इसकी कीमत जो है वो लगभग 2,500-2,500 रुपये मांगते हैं, लेकिन ये 500-1,000 रुपये में दे देंगे, लेकिन लेके कोई फायदा नहीं है। ये 500 का है, 5,000 रुपये का वीएल लेंस पड़ा हुआ है इसका। नहीं भाई, वो भैया 850 का सेट है, वो लैपटॉप देख करके आप किसी लिए गए, क्योंकि ये लैपटॉप जो है वो डेड होते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। दाम ही बोलेंगे 4,000-5,000, लेकिन ये 1,000 में भी लेंगे तो भी आपको ये महंगा पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर इस तरह के आपको बड़े फ्रिज भी दिखाई देंगे, हालांकि ये मैकेनिकली ये फ्रिज जो है वो खराब होते हैं, लेकिन यहाँ ला करके मार्केट में बेचते हैं लोग, वो आपकी मर्जी है, आप आपको परख है तो लीजिए, नहीं परख है तो मत लीजिए। दाम तो अंधाधुंध मांगते हैं, लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये जो आप कंप्यूटर सेट देख रहे हैं, ये पुराने मॉडल्स हैं, बहुत पुराने मॉडल्स हैं जो अब नहीं चलते हैं, और इसकी कीमत वो 4,000-5,000 मांगते हैं, लेकिन ये 1,000-1,500 में आपको दे देंगे, लेकिन वो आपको देखना है कि कबाड़ी चीज़ें लेकर के आप करने वाले क्या हैं। क्या दाम मांग रहे भैया ये सबका? 2,500। iPhone 4S था, ये सब आप चलते नहीं हैं, और इसमें भी टेक्निकल एरर होते हैं, तो इस टाइप के मोबाइल लेकर के आपको कोई फ़ायदा नहीं है 2,500 रुपये में। वो अभी चलिए हम और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, यहाँ बीच बीच में खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं, लोग पता नहीं इतनी गर्मी में और इतनी गंदगी में कैसे खाते हैं, लेकिन खाते हैं लोग। अब इस दुकान में आए तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई थी, वो देखिए ये गेंडा, और ये गेंडा जो है वो मेटल का, दाम पूछने पर ये दाम तो बताते हैं बहुत हैवी, 2,000-2,500, लेकिन मुझे लगता है कि 300-400 रुपये में शायद दे देंगे। और इस टाइप के प्रिंटर्स भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, देखने में बिल्कुल चमक दमक वाले प्रिंटर है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ख़राब है, तो आपको लगेगा कि हाँ ले लेना चाहिए, लेकिन ये प्रिंटर जो है वो मैंने कहा कई बार, मैं वर्ड यूज़ कर चुका हूँ, मैकेनिकली ये प्रिंटर्स जो है वो ख़राब होते हैं। बाकी इनके पास में और भी अनोखी अनोखी चीज़ें होती हैं, घर के डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, किचन की चीज़ें होती हैं, बच्चों की खेलने की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको लगती है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले ठिकाने की तरफ धीरे धीरे। Thank you.
ये बेसिकली संडे कपड़ा मार्केट ही है, गुजराती लोग ये कपड़ा मार्केट लगाते हैं, ये गुजराती मार्केट के नाम से भी फेमस है। यूट्यूबर्स ने इसको चोर बाज़ार बना दिया है, लेकिन है ये गुजराती मार्केट और यहाँ सिर्फ कपड़े ही बिकते हैं ज़्यादातर 70-80%। और वही चीज़ में आपको इस तरह के आजकल ये लोग मोबाइल वगैरह रखने लगे हैं। और एक और बात है कि यहाँ लोग शूट नहीं करने देते हैं, क्योंकि वही है कि यूट्यूबर्स ने चूँकि चोर बाज़ार बोल बोल कर परेशान कर दिया इन लोगों को भी, इसलिए ये लोग अब ज़्यादा शूट करने देते नहीं हैं, मना कर देते हैं, छुपा छुपा करके शूट करना पड़ता है। इसलिए आप जो बहुत सारे शॉट्स देख रहे होंगे वो सड़क की तरफ होती है। अब मुझे यहाँ एक टॉय बाइक भी दिख गया, इस टॉय बाइक की कीमत जो है ये 5,000 के आसपास मांगते हैं, लेकिन ये आपको मेरे ख्याल से 1,000 रुपये के आसपास में दे देंगे। हालांकि वो आपको देखना है कि इस कबाड़ी चीज़ को आप घर ले जाकर फिर क्या करेंगे। नहीं यार, टूटे फूटे मोबाइल आपको हर दुकान दिखाई देगा, हर यहाँ जो पटरी वाले लोग होते हैं, देखिए हर किसी के पास मोबाइल छोटा छोटा होता है, बड़ा मोबाइल होता है। और आपको जानकर बड़ा मज़ा आएगा कि किसी के भी मोबाइल में बैटरी नहीं होती, ये बिना बैटरी के रखते हैं और बहाने एक से एक बनाते हैं। देखिए हर दुकान में आपको टैब मोबाइल ये सब मिल जाएंगे, लेकिन खुश मत हुई ये सब पुराने ज़माने के आउटडेटेड HTC सोनी ब्लैकबेरी नोकिया बल्कि 3G फ़ोन है, और वो भी ढंग के नहीं। इवन ये जो कीपैड वाले फ़ोन आप देख रहे हैं, ये कीपैड फ़ोन के भी मांगते हैं 500-600 मांगते हैं, लेकिन ये दे देंगे आपको 200-250-150 जैसे सिचुएशन हो उसके हिसाब से आपको ये सब दे देंगे। चोर बाज़ार के नाम पे तो भीड़ होती ही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे व्यापारी आते हैं जो गांव के लोग होते हैं, वो सेकेंड हैंड कपड़े जो थोक में खरीद के लेके जाते हैं, थोक में इसलिए लेके जाते हैं कि वो फिर अपने गांव में ले आकर के उसको सेकेंड हैंड बेचते हैं। इस लैपटॉप को ये 5,500 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि ये लैपटॉप एक तरह से डेड ही है, हालांकि दिखा रहा है लेकिन वो है डेड। ये देखिए इनके हाथ में जो एक साथ कपड़े आप दिख रहे हैं, ये व्यापारी लोग हैं, लोग थोक में खरीदते हैं कपड़े, एक ही बार में खरीद लेते हैं ढेर सारे कपड़े। 10 रुपये टूटा हुआ पीछा है नहीं, मैंने कहा चलो 50 रुपये 10 रुपये ले लिया। ले जाओ नीचे का पड़ा है, कनक का पड़ा दोस्तों। इस मार्केट में आपको ट्रॉली बैग अच्छे मिल जाएंगे, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल ट्रॉली बैग है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। पुरानी चीज़ें आप खरीदिएगा तो यहाँ आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, वो जो सूटकेस दिख रहा है वो भी ओरिजिनल है, और ये सब बड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं, मैंने भी लिया हुआ है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। और ये दे देते हैं 300-400-500 जैसा प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से देते हैं। ये ट्रॉली बैग बहुत आपको अच्छे क्वालिटी के होते हैं और ओरिजिनल कंपनी के होते हैं। थोड़ी खुला तो दाल को अचान तो अलग आलू में तो लग गया चलो फ्री दो अरे आई अरे आई
ये सब जो आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सब एक्सपायर वाले माल है, मतलब प्रोडक्ट है जिसका डेट फेल हो चुका है, यहाँ ला करके बेचते हैं। यहाँ पर अगर आप सही से तलाश करेंगे तो कहीं कहीं आपको ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाएंगे, हालांकि जब ले रहे हो तो आप पूरे अच्छे तरह से चेक कीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर आके चीज़ें बिकती हैं, लेकिन मिलने के चांसेस होते हैं ब्रांडेड कपड़े। यहाँ ये ऑरेंज टी शर्ट वाला बंदा जो है ये GoPro कैमरा समझ कर इसको लेकर बड़ा खुश है, उसने दो कैमरे लिए हैं और वो भी 1000 रुपये में, 500 में, और उसको लगता है ओरिजिनल, लेकिन एक्चुअली चांदनी चौक में मात्र 500 रुपये मिल जाते हैं नए। कितने में दे रहे हैं? चांदनी चौक में से तो 500 रुपये मिल जाता है। क्या कर रहे हो भाई? तुम वीडियो बना के क्या करते हो? हेलो, क्या करते हो? कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। क्या मिलता है इसमें आपको? पैसा मिलता है आजकल, यही कमाई रह गई है। सिंपल सी बात है, तुम दिमाग में नहीं जोत रही है आजकल, यही रोजगार रह गया है तो बहुत आ गया
सुबह से चालू है। इतने कुछ फुस कर दिया यार, हमारा तो गला सूख गया। अरे कोई बात नहीं, लोग हैं ना लेकर उनके और का पानी पीना हमारे को। हमारी वीडियो देखते हैं ना तो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ना दिखाए ना तो ना आए लोग, तो लोकल लोग आते रहे किसी से। से 3,000 बोलते हैं लेकिन दे देंगे या 1,000 के आसपास में दे देंगे, हालांकि ये डेढ़ पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए इसको लेकर के आप करेंगे क्या। नहीं मैं भी तो 50 रुपए बना रही हूं भैया सर जी, कम भी दोस्तों। वीडियो के कुछ अंतिम पल बचे हुए हैं, इन अंतिम पलों में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं, खास तौर पर उन भाइयों के लिए जो दिल्ली के बाहर से बड़े परेशान रहते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं मुझे इस बात को लेकर के कि मोबाइल कहाँ मिलता है, चोर बाज़ार में ये मिलता है, वो मिलता है, भैया मैं संडे को आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, मतलब बेचारे काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं इसलिए बेचारे बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी दूर से आने का सोचते हैं, कितना बड़े बड़े सपने दे करके आते हैं, उनको लगता है यहाँ आएंगे और आईफोन लेंगे, ये लैपटॉप लेंगे, DSLR लेंगे, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता है कि वो एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं और जब यहाँ आते हैं तो उनको मिलता कुछ नहीं है, मिलता है बाबा जी का ठुल्लू और बाद में फिर वो परेशान होकर के पैसे बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। तो बाहर के जो भाई हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, ये कबाड़ी मार्केट है और आप अगर मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपने देखा भी होगा मैं जो भी चीज़ हाथ में उठा रहा हूँ सब डेढ़ पड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ चालू नहीं है, कोई भी चीज़ वर्किंग नहीं है, अगर कोई वर्किंग है भी तो वो पुराने ज़माने की चीज़ है। तो इन पुराने ज़माने की चीज़ों को लेकर आप क्या करेंगे, घर में ले जा करके मेरे ख्याल से हर किसी घर में बहुत सारी कबाड़ी चीज़ें पहले से पड़ी होती हैं, तो ये आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि अगर ये सब इतनी चीज़ें अच्छी होगी तो यहाँ कबाड़ी मार्केट में क्यों बिकेंगी, कोई क्यों फेंकेगा। तो ये सब चीज़ें जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े जो बंगलों होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो रिजेक्टेड चीज़ें होती हैं वो फेंक देते हैं कबाड़ी में और वही कबाड़ी वाले जो हैं इसको ठीक ठाक करा करके इसका एक पूरा मार्केट है जहाँ पर ये चीज़ें बिकती है। संडे के दिन ये मार्केट लगता है, सुबह में लगभग 5 बजे से शुरू होता है, 11 बजे तक ये रहता है, तो 5 से 11 के बीच में आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। बाकी कपड़ों का मार्केट है रघुवीर नगर मार्केट, सामने में आपको साइकिल वगैरह दिख रहा होगा, साइकिल बोलने का मतलब है कि ज़्यादा खुश मत होइएगा क्योंकि साइकिल भी बहुत कॉस्टली बोलते हैं, 4,000-5,000 रुपये बोलते हैं, शूट करने देते हैं, इसलिए मैं दूर से थोड़ा शूट कर रहा था। ये सब साइकिल 4,000-5,000 बोलते हैं, मतलब मार्केट रेट ही बोलते हैं और आप उसमें नेगोशिएट करेंगे तो 30-40% का नेगोशिएशन करके वो आपको साइकिल दे देते हैं। तो साइकिल वगैरह भी मिलता है गोविंद नगर मार्केट में, जहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिसलिनियस चीज़ें मिलती हैं लेकिन आईफोन नहीं मिलते हैं, टैबलेट नहीं मिलते हैं, लैपटॉप नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो लैपटॉप पुराने ज़माने का या फिर नकली या फिर डेड लैपटॉप मिलता है, DSLR नहीं मिलते हैं, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप बाहर से क्या कबाड़ी की चीज़ें लेने के लिए दिल्ली आएंगे
ये सब तो आपको आपके शहर में मिल जाएगा। इसलिए मेरे साइड से तो लोगों को सलाह रहती है कि आप पैसा और समय बर्बाद न करें और अपने ही शहर में बल्कि इन चीज़ों को ढूंढें और वहीं पर ख़रीदें। कबाड़ी के लिए आप दिल्ली मत आइए, हाँ दिल्ली घूमने के लिए आइए, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो चोर बाज़ार भी घूम सकते हैं अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं नॉर्मली वीडियो में प्रोडक्ट के दाम वाम नहीं पूछता हूँ क्योंकि मुझे सबके दाम लगभग पता है, क्योंकि मैं 5-6 सालों से इन मार्केट्स में घूम रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है, हर गलियों के बारे में पता है, मैक्सिमम चीज़ें मुझे पता है कि कहाँ मिलती हैं क्या मिलती हैं, इसलिए मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ चीज़ों को लेकर के। इसीलिए मैं एक एक चीज़ उठा उठा करके दाम नॉर्मली नहीं पूछता, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं एक एक चीज़ उठा उठा करके दाम पूछ रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को देखिए जरूर और साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।